हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूसीओ बैंक में पैसा कट जाए तो क्या करें और कैसे अपना रिफ़ंड ले, यही आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप देख सको। यहाँ पे आपको सबसे पहले जीमेल ओपन कर लेना है। जीमेल के थ्रू हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको कॉलम वाइज लिखना है। सबसे पहला आएगा नेम का कॉलम, उसमें आपको अपना पूरा नाम लिख देना है। मैं आपको डेमो बता रहा हूँ, इसके लिए मैं डेमो लिखा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे स्पेस देख के लिखना है। नंबर का कॉलम, उसमें आपको अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर लिख देना है, जो भी आपका नंबर है। उसके बाद यहाँ पे आपको स्पेस दे के लिखना है रिक्वेस्ट का कॉलम। रिक्वेस्ट के कॉलम में बताना चाहता हूँ जो मैं आपको यहाँ पे लिख के बता रहा हूँ, वही सेम टू सेम मेरा कॉपी करके लिख लेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आई एम एन अकाउंट होल्डर ऑफ दिस बैंक, माय मनी वॉज डेबिटेड फ्रॉम माय अकाउंट, प्लीज़ रिफंड माय मनी एज सून एज पॉसिबल। इतना आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद हम लोग नीचे स्पेस देके लिखेंगे थैंक्स एंड वॉर्म रिगार्ड्स, ये लिख देंगे। उसके बाद आपको ऊपर सब्जेक्ट का कॉलम दिखेगा, वहाँ पे उसी से रिलेटेड हम लोग लिखेंगे यूसीओ बैंक मनी रिफंड रिक्वेस्ट, ये लिख दिया आपने। उसके बाद आपको ऊपर टू का जो कॉलम दिखेगा, वहाँ पे आपको अपने बैंक की ईमेल आईडी डालना है और उसके बाद आपको अपना ईमेल अच्छे तरीके से चेक करना है। जो भी आपने यहाँ पे लिखा है वो प्रॉपर और करेक्ट होना चाहिए और उसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक या किसी भी तरह की मिस्टेक नहीं होना चाहिए। सब कुछ चेक करने के बाद आप अपना ईमेल सेंड कर सकते हैं। सेंड करने के कुछ देर के बाद आपको यहाँ पर रिप्लाई आ जाएगा कि आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है और 24 आवर्स के अंदर यहाँ पे आपका जो रिफ़ंड है वो आपको मिल जाएगा। तो ये है पहला ऑप्शन जहाँ पे आप ईमेल के थ्रू रिक्वेस्ट करके अपना कटा हुआ पैसा वापस ले सकते हैं, रिफ़ंड ले सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग सेकेंड ऑप्शन की। यहाँ पे दोस्तों डायरेक्टली आपको अपने बैंक के कस्टमर केयर और टोल फ्री नंबर पे कॉल करना है अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से और वहाँ पे आप अपने कटे हुए पैसे की जानकारी भी ले सकते हैं। रीज़न आप जान सकते हैं कि आपका पैसा क्यों कटा है और यहाँ पे आपको रिफ़ंड का प्रोसीजर पूछ लेना है। तो कस्टमर केयर के द्वारा जो भी रीज़न आपको बताया जाएगा वही आपको प्रोसीजर फॉलो करना है और वहाँ से भी आप अपने कटे हुए पैसे का रिफ़ंड ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया है दोनों अलग अलग मेथड, उसमें से कोई भी ऑप्शन ट्राई करके आप अपना रिफ़ंड ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर देना। ओके, बाय।